पुर गांव में लाखन नाम का एक चरवाहा रहता था। लाखन के पास कुछ भेड़े थी जिनका वो खूब ख्याल रखता था। लाखन अपने बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा राजू नन्हा और नटखट था। उसको भी भेड़े पसंद थी और सबसे ज्यादा पसंद थी एक नन्ही सी भेड़ की बच्ची मैना। राजू हमेशा मैना के साथ खेलता रहता था। एक बार लाखन की तबीयत काफी खराब हो गई, इतनी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसने राजू को आवाज दी, बेटा राजू, मेरी तबीयत काफी खराब है। मेरे प्यारे बेटे, मेरा एक काम कर दे, जरा मैना को और सारी भेड़ों को पहाड़ी पे चरने ले जा। जरूर बाबा, क्यों नहीं, मैं सबको अभी चरा के लाता हूँ। मेरा अच्छा बेटा, शाबाश। अच्छा सुन, जरा ख्याल रखना, कभी कभी शेरों का डर होता है। शेर बाबा? हाँ, पर डरने की कोई बात नहीं, वही पास में लोग काम करते हैं। तुम फौरन शेर शेर आवाज लगा देना, सब मेरे मित्र हैं और फौरन मदद के लिए आ जाएंगे। ठीक है बाबा। शुक्र है बंदर थे, अगर शेर होता तो। बाबा ने बोला था चिल्लाने के लिए, पर क्या ये काम करेगा? क्या कोई मेरी मदद के लिए आएगा? चलो आजमा के देख लेते हैं। बचाओ, शेर आया, बचाओ, बचाओ। वहाँ पास में ही कुछ लकड़हारे काम कर रहे थे। वो आवाज सुनते ही घबरा गए और वो फौरन कुछ हथियार लेकर शेर से बचाने के लिए दौड़ पड़े। पर शेर तो कहीं नजर नहीं आया, सिर्फ राजू था, मजे से अपनी भेड़ों के साथ खड़ा था। कहाँ है शेर? यहीं से आवाज आई थी। शेर? नहीं है शेर, मैं तो बस मजा ले रहा था, सब लोग आगे भागते हुए। तू भेड़ चराता है, लाखड़ का छोरा है ना राजू? लाखड़ खूब बोलत रहा तोरे बारे में, कैसी तबीयत है उसकी? बाबा ठीक नहीं है, चलते फिरते नहीं है, बस पड़े रहते हैं। ठीक है, हो जाएगा ठीक जल्दी ही। और तू मन लगा के काम करी हाँ? और ये काम मजाक मस्ती है, आगे से ना करियो ऐसा, समझा? चलो भाई, कौनो शेर वेर नहीं है यहाँ। हाँ काका। राजू आ गया, कैसा रहा? बहुत मजा रहा बाबा, क्या पागल बनाया सबको। किसको पागल बनाया? राजू जंगल में खतरा है, कोई मस्ती मत करना। फिर अगले दिन भी राजू अपनी सभी भेड़ों को चराने निकल गया। रुक मैना, भाग मत, बहुत पक रहा है यार, कुछ मजेदार करना चाहिए। चलो आज भी सबको पागल बनाते हैं। फिर क्या था, राजू ने कल जैसे ही चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ मुझे, शेर आया, शेर आया, बचाओ, मुझे खा जाएगा, बचाओ बचाओ। बच्चे की आवाज सुनकर सारे लकड़हारे फिर से बचाने भागे, लेकिन इस बार भी वहाँ कोई शेर नहीं था, बस राजू बैठा सबको देखकर हंस रहा था। शेर, मैं तो सब आज भी भागे चले आए, बहुत मजा आया। ओए छोरे, तू सबको फालतू परेशान कर रहा है,
रुक, तेरे बाप को शिकायत करता हूँ मैं आज। अरे नहीं कतल, नहीं, माफ कर दो, आगे से कभी नहीं करूंगा, बाबा को मत बोलना। चलो भाइयों, बहुत काम पड़े हैं हमको, इसका रोज का हो गया है। फिर लकड़हारे अपने काम पर चले गए, राजू भी अपने घर लौट गया। बच गए आज मैं ना, बाबा को पता चल जाता तो बहुत मार पड़ती। पापा की तबीयत तभी भी खराब थी, इसलिए राजू फिर अपनी भेड़ों को चराने ले गया। आता हूँ बाबा जल्दी। भेड़े आराम से चारा चर रही थी, राजू भी थक के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आई। राजू ने देखा कि झाड़ी में से एक बड़ा सा जानवर निकल के भेड़ों के सामने खड़ा हो गया। शेर, बचाओ बचाओ, शेर आया, बचाओ, कोई तो बचाओ, शेर आया, खा जाएगा हमको, बचाओ बचाओ। राजू की आवाज लकड़हारों तक पहुंची। शेर शेर बचाओ बचाओ, शेर बचाओ बचाओ, बचाओ मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, बचाओ। इसका रोज का हो गया, आज तो मैं नहीं जाऊंगा, बहुत काम है यहाँ। ना आज नहीं, और ओके बाप को जाके बोला थू मैं शाम को। काम करो भाई, आज कोई नहीं जाएगा। ये लाकर का बिटवा तो निकम्मा है, छोड़ो उसे। वहाँ राजू को चिल्लाता देख शेर थोड़ा घबराया, पर भूखा शेर फौरन मैना को पकड़ के ले गया। मैना, नहीं, भागो, हुश हुश, भागो, बाबा बाबा, हुश हुश, मैना राजू, मैंने समझाया था ना, पर तू नहीं माना। वो तो अच्छा हुआ शेर तुझे नहीं ले गया, वरना मेरा क्या होता। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया, मैंने सबको परेशान किया, इसलिए जब सच में शेर आया तो मेरा भरोसा किसी ने नहीं किया। कभी नहीं करूंगा पापा। ठीक है, चल अभी खाना खा और जल्दी सो जा, स्कूल जाना है ना सुबह। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोग हम पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा सच बोलना।